नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मनी गुरु का एक और खास सेगमेंट। आज है नवरात्रि का सातवां दिन और आज का दिन काल रात्रि माता का दिन है। काल रात्रि माता अंधकार की प्रतीक हैं। जीवन में अंधकार भरे दिन भी आते हैं, धोखाधड़ी साजिश का शिकार भी आप होते हैं। झूठ फरेब से सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। विपरीत समय में भी सकारात्मक विचार लाने की जरूर कोशिश करें। और इसी के साथ अपने शो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि का सेलिब्रेशन चालू है मनी गुरु पर और हम आपको कुछ जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के जरिए दे रहे हैं नवरात्रि के 9 महामंत्र। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा जी जुड़े हैं, रूंगटा सिक्योरिटीज के प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर। और अपने 15 साल के करियर में इन्होंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज और फैमिलीज के लिए काफी सारे वर्कशॉप्स और कंसल्टिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट किए हैं। और एक काफी इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में, सीएफपी का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें ये टॉप 3 रैंक होल्डर्स में से भी एक रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, दर्शकों के भी कुछ सवाल को शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस नवरात्रि हमने काफी सारे पर्सनल फाइनेंस की बारीकियों को समझने की कोशिश की। पर्सनल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो उसका कितना बड़ा रोल होता है? और शुरुआत मेडिकल इंश्योरेंस को समझने से करते हैं क्योंकि जिसको लेकर हम अक्सर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते मेडिकल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो। और इसको लेकर हम अपने एम्प्लॉयज पर, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उस पर काफी ज्यादा निर्भर होते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज पर ही निर्भर रहना, क्या ये सही है? वेल पूजा, आपने एकदम सही बात बताई है कि क्या हमें अपने मेडिकल इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट होता है, क्या हमें सिर्फ हमें जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है सिर्फ उसी पर निर्भर होना चाहिए या हमें खुद लेना चाहिए अपने लिए कि नहीं। सो पहला सवाल ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करे या कुछ भी हो, आपको ये समझना है कि कभी भी अगर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है आपके परिवार वालों को या आपको, तो आज की तारीख में जो मेडिकल खर्चे हैं वो इतनी ज्यादा हो गए हैं कि आप एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए भी आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो काफी ज्यादा ना फाइनेंसेस पे बर्डन पड़ जाता है। सो पहला स्टेप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस एक पहला स्टेप है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। उसमें मेडिक्लेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर सवाल यह है कि मुझे क्या एक इंसान को मेडिक्लेम लेना चाहिए, जी हाँ, उसे मेडिक्लेम अपनी पूरे परिवार के लिए लेना चाहिए, छोटे बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि बीमारी किसी को भी बोल के नहीं आती और कोई भी उम्र के ना इंसान हो उनको बीमार हो सकते हैं और उनके जो खर्चे होते हैं वो आपकी फाइनेंसिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन देते हैं। सो एक अच्छा मेडिक्लेम और एक एडिक्वेट मेडिक्लेम, एडिक्वेट का मतलब ये होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं, आप मान लीजिए अगर मेट्रोज में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, ऐसे कोई बड़े शहरों में है, तो उधर मेडिकल के खर्चे जो है वो ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली जब आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में रहते हैं। तो उस चीज को लिहाज में रखते हुए आपको अपना मेडिकल कवर चूज करना चाहिए। मान लीजिए कि आप 1 लाख कवर, 1 लाख रुपए का ही कवर अगर लिए हैं और आपके खर्चे 1 लाख से ऊपर ज्यादा जाते हैं तो ऑब्वियसली आप पे स्ट्रेस पड़ता है और आपको ऐसे एहसास होता है कि मेरे पास मेडिक्लेम है लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है। आज के खर्चे देखते हुए हर इंसान के पास एक जरूरी है कि कम से कम 5 लाख रुपए का कवर तो कम से कम अपने परिवार पे और खुद पे लेके रखें। उसके अलावा सुपर टॉप अप ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप उससे ज्यादा कवर ले सकते हैं और प्रीमियम बर्डन बहुत ज्यादा आप पे आता नहीं है। अब दूसरा सवाल उठता है कि कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने हमारे लिए अच्छा सा खासा कवर ले रखा है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कवर ले रखा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने ले रखा है और आप उसकी वजह से अपने खुद का मेडिक्लेम नहीं लेते हैं, ये सही बात नहीं है। एक तो जब आप एम्प्लॉय अपना कंपनी अगर कभी ना कभी शिफ्ट करेंगे तो उस समय जरूरी नहीं है कि नई कंपनी में भी आपका एम्प्लॉयर आपको कवर करे। अगर करे भी और ऐसा हो सकता है कि वेटिंग पीरियड हो, आप जब एक कंपनी छोड़ते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं उस दौरान अगर कुछ हो गया तो आपकी मेडिकल कवर आपके लिए कोई एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है, मान लीजिए आप ऑल थ्रू आउट आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे हैं लेकिन जब आप रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद आप ऐसा समझते हैं कि आप अपने लिए खुद के लिए अपने उस समय मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे, तब हो सकता है कि आपको मेडिकल कवर मिले ही नहीं क्योंकि आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर नहीं करना चाहे। प्लस वेटिंग पीरियड्स होते हैं जब आप नई पॉलिसी लेते हैं। सो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें
तो ये जरूरी है कि आप अपना खुद का एक मेडिकल कवर, वो भी एक अच्छे से अमाउंट के साथ, ये नहीं कि आप छोटी 50,000, 1,00,000, 2,00,000 की पॉलिसी ले लें, आप हो सके तो जितना ज्यादा कवर हर फैमिली मेंबर के लिए ले सके वो अभी ले लें। और अगर क्लेम आता है तो पहले आप अपने एम्प्लॉयर की पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अपनी पॉलिसी में क्लेम करना है, लेकिन एक पॉलिसी खुद की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये काफी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं कि पर्याप्त मेडिकल कवर ले, और जरूरी नहीं है आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने एम्प्लॉयर पर ना निर्भर रहे, आप खुद भी लेके रखें, क्योंकि वाकई जब नौकरी चेंज करते हैं तो फिर वो अप्लीकेबल नहीं होगा, इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो पर्सनल फाइनेंस की बारीकियों में ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूर ले। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, सनोज जी ने हमें कॉल किया। नमस्कार सनोज, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जी मैं सनोज बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी हेलो। जी जी तो, पूछिए। एक्चुअली मैं सुंदरपुर इंडिया फंड ग्रोथ डायरेक्ट में एमएफ यूटिलिटी के थ्रू अभी जस्ट स्टार्ट किया है, उसमें मैंने 20,000 का जस्ट इन्वेस्ट किया है। तो मैं जस्ट फंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि यह सही फंड है। चलिए हर्ष, इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने सुंदरम रूरल इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ फंड में निवेश करना भी चालू किया है, नए नए निवेशक हैं, हाल ही में इन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू किया, जानना चाह रहे हैं ये जो फंड में, जिस फंड में ये निवेश कर रहे हैं, क्या वो सही है? वेल सनोज, आपका जो डिटेल्स हमने देखा है जिसमें आपने कहा कि आप एक नए इन्वेस्टर हैं, सो आप जब भी एक नई प्रोडक्ट में निवेश करना शुरू करते हैं, म्यूचुअल फंड हो या कोई भी दूसरी कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, सो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप एक नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करें जिसका जो मैंडेट है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो एक डाइवर्सिफाइड फंड्स में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हो। ये नहीं कि वो एक थीमेटिक या कोई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि आपका ये पहला कदम है इस पर्टिकुलर सीरीज में, तो आपको ऐसा ये कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको एक जनरलाइज मैंडेट वाला इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए। दूसरी बात है, जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट लेते हैं, जो इंडस्ट्री के टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, ताकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि ये जिस भी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स हैं, तो आपको वो कंफर्ट लेवल भी रहेगा। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना था वो आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं करना चाहिए था। नेवरदलेस अभी आपको आगे जाते हुए मैं बता दूं, अभी भी आप ये ओपन एंडेड फंड है, इसमें से आप निकल सकते हैं। और अगर हम मार्केट वैल्यूएशन की बात देखें, हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में मार्केट लगातार नीचे गिरते आया है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यूएशन एक कंसर्न है कि आज की तारीख में जो पी लेवल्स पे मार्केट ट्रेड हो रहा है विजाविज जो ग्रोथ अर्निंग्स में हो रही है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मार्केट गिरता हुआ हमने देखा भी है। और आप एक नए निवेशक हैं तो पूरा एक्सपोजर इक्विटी में लेना शायद आपको पहले स्टेप में आपको डरा दे, तो मेरा सुझाव है कि आप इसे एक बैलेंस्ड फंड में निवेश करें, ताकि आपको एक इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन अपने पोर्टफोलियो में मिले। आपको दो स्कीम्स का नाम मैं बता दूं, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड या रिलायंस बैलेंस फंड, इन दोनों में कोई भी एक फंड चूज कर लीजिए और उसमें आप अपना निवेश स्विच कर लीजिए। ओके, तो ये राय आती हुई आपको दो फंड्स भी सुझाए गए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड और रिलायंस बैलेंस फंड, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा हमें मेल भी कर सकते हैं आप moneyguru@zeemedia.sl.com। ये लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये मेल आईडी और कुछ नंबर्स, आप कॉल कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामेश्वर नागपुरे जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? मैडम सर नमस्ते। सर नमस्कार सर, हमारी इधर मैं पीएसएल में जॉब में हूँ अभी 9 साल से, और मेरा कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में, मेरा कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं अपना अलग से एनपीएस में एनपीएस स्कीम लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं अलग से ले सकता हूँ क्या? ओके, इस बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। जी जी हर्ष, ये सवाल आपको भी मेल किया गया था, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको, क्या अलग से ये निवेश कर सकते हैं? एब्सोल्युटली रामेश्वर जी, आप एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हैं, आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एनपीएस अपने आप से सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आप बेहिचक अपना खुद का सब्सक्रिप्शन जो है एनपीएस में कर सकते हैं, और उसके जो पूरे फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, तो उसमें आप
कोई शक मत रखिए और आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई रामेश्वर जी आपको। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन के जरिए। जी नमस्कार मैम, पूछिए क्या सवाल है आपका। चलिए इनसे संपर्क नहीं हो रहा। इनका सवाल हमारे पास है, ये फंड में ये निवेश कर रही है हर्ष, और डीएसपी ब्लैक रॉक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में ये निवेश कर रही हैं, और ये जानना चाह रही हैं क्या ये फंड सही है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, निवेश की रकम कितनी है ये हमारे पास डिटेल नहीं है और इनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये फंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है। सोवेल पूजा, अगर हम इस फंड की अपने आप में बात करें तो फंड में कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर ये सिर्फ एक लौता एकमात्र इन्वेस्टमेंट है इनका तो शायद इस फंड में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये उनकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप अमाउंट, अगर मान लीजिए हमने एक्स अमाउंट हम अज्यूम करते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए का है, तो एक फंड में निवेश करेंगे वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर वो एक फंड अपने आप में सिर्फ एक मिड कैप फंड है तो शायद ये गलत डिसीजन है। जो फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया वो स्कीम अपने आप में अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या मेरा पूरा एक्सपोजर एक मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल का जवाब तभी पता चल सकता है जब इनके बाकी पोर्टफोलियो के बारे में हमें पता चले। इनको फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि ये इनका एकमात्र इन्वेस्टमेंट है। और जी हर्ष, एक्चुअली ये टैक्स सेवर के बारे में जानना चाह रही हैं, ये फंड में तो उन्होंने निवेश किया ही है लेकिन टैक्स सेविंग के पर्पज से भी ये कुछ फंड में निवेश करना चाह रही है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे। सो वेल एब्सोल्युटली, अगर ये ELSS यू नो फंड्स में निवेश करना चाहती टैक्स बचाने के लिए, जो सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, अगर वैसे कोई स्कीम्स में निवेश करना चाहते हैं तो कई ऑप्शंस हैं। आप अगेन अच्छे फंड हाउसेस पिक करिए, उनकी जो ELSS स्कीम्स हैं, एक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिसमें निवेश कर सकते हैं, दूसरा एक ICICI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो भी एक टैक्स सेविंग फंड है, DSP में इनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है तो DSP टैक्स सेवर फंड है वो भी एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। सो ये कोई भी एक स्कीम में निवेश करें, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनका 10,000 है तो 5,000 डिवाइड कर सकती हैं, नहीं तो कोई भी एक स्कीम पिक करके उसमें वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए ये राय आती हुई आपको उम्मीद है मदद मिली होगी। हर्ष, हम इंश्योरेंस से ही जुड़े कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एक और जो चीज मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा होती है वो होती है टर्म इंश्योरेंस, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो टर्म इंश्योरेंस हालांकि मोरल हम सभी लेके रखते ही हैं, लेकिन जब हम लेने जाते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कंपनी को लेकर रिसर्च करना चाहिए कि किस कंपनी का इंश्योरेंस बेहतर होगा। पूजा, जैसे हमने कहा कि जो लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो अपनी पर्सनल फाइनेंस की जो प्लानिंग करते हैं उसका पहला स्टेप होता है कि हम इंश्योरेंस सही तरीके से लें। सो मेडिक्लेम की हमने बात की जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आपको एक मेडिकल कवर होना चाहिए और ये भी हमने डिस्कस किया कि एक सही मात्रा में होना चाहिए। सिर्फ एक मेडिकल कवर आपको एक छोटी सी रकम से हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार जब आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस पहली बात तो आप उन्हीं मेंबर्स पे लेंगे जिनकी एक प्रोडक्टिव इनकम है, जो एक सैलरी या बिजनेस इनकम या कुछ इनकम जनरेट करते हैं अपने प्रोडक्टिविटी अपने अपनी मेहनत करके। सो क्वेश्चन है कि अगर वो इंसान को कुछ हो जाता है तब परिवार को एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो आप उस फाइनेंशियल लॉस को आपको यू नो रिप्लेस करना है ताकि घर के जो खर्चे हैं जो EMIs हैं वो सब चलती रहे। तो ये होता है कि आप इतना अगर एक कवर चूज करना चाहते हैं तो ये एकमात्र सिर्फ टर्म प्लान के जरिए ही हो सकता है, अदरवाइज आप अगर लेना चाहें कोई इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया कि आपको एक कवर लेना है लाइफ कवर, क्योंकि नहीं तो परिवार पे एक फाइनेंशियल बर्डन आता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि मैं कवर कितना लें। तो कवर आप अगर मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपया हर साल का कमा रहे हैं, उदाहरण है कि अगर आप 1,00,000 रुपया हर साल का कमा रहे हैं और आपके पास 30 साल और बाकी है कमाने के लिए, तो आप एक जरिया डेफिनेटली कर सकते हैं कि जो आपकी आज की इनकम है उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए कि जब तक रिटायर होंगे उस समय तक 1,00,000 × 30 years इन दिस केस वो हो जाता है 30,00,000 रुपए। तो इस उदाहरण में आपको 30,00,000 का कवर होना है। अगर ये बहुत ज्यादा लगता है तो आप एक दूसरा माध्यम चूज कर सकते हैं जिसका उसका एक और कैलकुलेशन इतना सही है कि आपके पास एक कॉर्पस हो, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपको कुछ हो जाता है, आपके परिवार को पूरा 1 करोड़ रुपया मिलता है,
वो 1 करोड़ रुपया अगर वो सिर्फ निवेश कर दें जहां पे आज की तारीख में उन्हें 6% ब्याज मिलता है, अगर उन्हें 6% रिटर्न मिलता है तो वो साल का 6 लाख रुपया हुआ और महीने का 50,000 रुपया हुआ। तो आपने ये बंदोबस्त कर दिया कि उन्हें 50,000 रुपया आप नहीं हो तो भी आपके परिवार को आता रहे। तो ये इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो आप एक सही मात्रा में इंश्योरेंस ले पाएंगे और वो आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंश्योरेंस, जैसे मैंने कहा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप होता है, तो इस प्रकार से अपना इंश्योरेंस टर्म प्लान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ थंब रूल आपको बताए गए हैं जिसके जरिए आप एक अच्छा, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, प्रवीण जी ने कॉल किया है। नमस्कार प्रवीण, पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक प्लान में इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में 2015 में, SBI लाइफ ई वेल्थ ग्रोथ। ओके, तो मैं ये हर महीने 6,000 रुपीज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है ऑलमोस्ट 15 to 20 years के लिए। तो मेरा ऐसा कुछ फिक्स मैंने नहीं किया है कि मुझे आफ्टर 20 years मुझे कुछ करना है, लेकिन मैंने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं पेंशन एज अ पेंशन यूज कर सकता हूँ इसको, तो ये मेरा प्लान सही है कि नहीं है, मुझे ये जानना था। तो बेसिकली आप रिटायरमेंट के लिए आप ये चाह रहे हैं। जी, सवाल ले लेते हैं, हर्ष क्या सजेस्ट करेंगे इनको? इनका सवाल एक बार रिपीट कर देते हैं। SBI लाइफ ई वेल्थ में ये 6,000 की SIP कर रहे हैं प्रति पर मंथ की, और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं क्या ये फंड सही है और इनका जो गोल है आगे चल के रिटायरमेंट का, क्योंकि जो इनकी एज है वो 32 ये 32 साल के हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि जो निवेश कर रहे हैं ये सफिशियंट है आगे के अगर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से अगर ये सोचे तो। तो वेल, अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, क्योंकि एक SBI लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू ऑफर किया गया है। यूलिप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट लाइफ कवर के साथ में जोड़ा जाता है। सो अगर हम एक प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से बात करें, एक लाइफ कवर आपको लेना है तो हमने बात की कि आप एक टर्म प्लान के जरिए एक एडिक्वेट कवर ले सकते हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरफ अपना रुख करिए। ये यूलिप पॉलिसी जो है वो लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करती है, इसमें ना ही आपको सही तरीके सही मात्रा में इंश्योरेंस कवर मिला है और ना ही आपको जो इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स मिलेगा वो आपको एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे मिलेगा, क्योंकि इनके जो खर्चे होते हैं, जो कॉस्ट्स हैं आपका, आपके जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फी है, आपके मोर्टैलिटी चार्जेस जो कटेंगे, क्योंकि आपको एक छोटा लाइफ कवर भी दिया जा रहा है साथ में, तो ये एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव है तो आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी स्कीम्स या डेट स्कीम्स या बैलेंस फंड्स हैं उनमें चूज करिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इस पॉलिसी से निकल जाएं। आप अगर आज भी इस पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद करते हैं, अगर आपके 5 साल के अंदर है ये पॉलिसी और आप प्रीमियम भरना बंद करते हैं तो पॉलिसी आपका नुकसान नहीं होगा। एक सरेंडर चार्ज है, वो चार्ज कटने के बाद में पैसे जो आपके बाकी पैसे हैं वो आपके पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे और 5 साल कंप्लीट होने के बाद वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इसके तो आप जब ये बंद करते हैं, इसके अलावा जो आपके पैसे बाकी प्रीमियम के तौर पे भर रहे हैं वो बच जाएंगे, उसे आप इन्वेस्टमेंट्स में, यू नो, प्योर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए ताकि आपको एक ज्यादा बेनिफिट आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे पूरा मिल सके। ओके, तो कोई अच्छा म्यूचुअल फंड आप इनको सजेस्ट करेंगे, इक्विटी में या बैलेंस्ड फंड में कुछ? जी हाँ, अगर इनका ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग टर्म का है, 32 साल के हैं, इन्हें रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, तो इनके पास क्लियरली करीबन 25 से 28 साल हैं। सो अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करें, SIP के जरिए करें और एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करें। अगर हम इनका पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें तो हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जानना जरूरी है, लेकिन इन एनी केस हमें इन्हें एक ब्रॉडर आउटलाइन दे सकते हैं, जो भी अमाउंट इन्हें इन्वेस्ट करना है वो 2 या 3 स्कीम से डिवाइड करें और एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, एक मिड कैप रखें, एक मल्टी कैप रखें, और अगर ये कोई थीम या कोई सेक्टर को समझते हैं तो थोड़ा एलोकेशन ये थेमेटिक या सेक्टर फंड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में करिए। जैसे ऐसा नहीं कि पूरा पैसा मिड कैप में चला गया, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लार्ज कैप में गया,
उसे डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बनाए। ओके, तो ये राय आती हुई आपको उम्मीद है कुछ मदद मिली होगी प्रवीण आपको इससे। एक और दर्शक का सवाल शामिल कर लेते हैं। लखनऊ से धर्मेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जी नमस्कार। नमस्ते, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, 1,000 की FIP है मेरी। ओके, ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, L&T इमर्जिंग बिजनेस और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में। ओके, करीब आप 3,000 का निवेश कर रहे हैं। हाँ, 3,000 का। ओके ओके, तो आप अपना मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये मेरे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है सही है, सही इसमें लगा है फंड में, और अगर मुझे SIP अगर 1,000 की और भी खोलनी तो मुझे कोई फंड और सजेस्ट करें। ओके, हर्ष क्या सजेस्ट करेंगे इनको? ये 3 फंड में ऑलरेडी निवेशित है, मिराय एसेट ब्लू चिप, L&T इमर्जिंग, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में ये निवेश करें 1,000 रुपए, और ये जानना चाह रहे हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है, और एज जो इनकी है वो 41 इयर्स है, तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे 1,000 ये और निवेश करना चाह रहे हैं? अगर हम इनका पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखें, सो इनके पास एक लार्ज कैप फंड है और बाकी दो जो है वो मिड कैप फंड्स हैं। ये हम वी आर नॉट सरप्राइज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि हम जितने भी पोर्टफोलियोज अभी लास्ट 1 ईयर में देख रहे हैं, फोकस जो रहा है सभी इन्वेस्टर्स का मिड कैप फंड्स में रहा है, क्योंकि मिड कैप ने लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ये 2 या 3 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो मिड कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो इसे देखते हुए हमने देखा एडवाइजर्स ने भी मिड कैप फंड्स सजेस्ट किए हैं ज्यादा, और इन्वेस्टर्स ने भी रिटर्न्स देखे मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये जो अप्रोच है वो गलत है। आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो का जो कम से कम 50% है, जो आधा हिस्सा है, वो आप एक लार्ज कैप एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं, आप 2 या 3 साल का रिटर्न नहीं देख रहे हैं। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, मान लीजिए मार्केट गिरने लगेगा, जो आज की तारीख में हम देख भी रहे हैं, तो मिड कैप फंड्स जो हैं वो ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्पोजिशन होता है जिसमें वो जैसे वर्ड कहता है मिड कैप, वैसे ये कंपनीज 2,500 से 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनीज होती हैं, और अगर हम लार्ज कैप की बात करें, ये कंपनीज होती हैं जिनका बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क होता है, उनके बिजनेसेस बड़े हैं, तो जब ग्लोबल क्राइसिस आते हैं तब ये कंपनीज ये अपना जो कंपनी है उनकी जो वर्किंग है उसको ज्यादा अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आपका पोर्टफोलियो जब लॉन्ग टर्म के लिए बनता है 50-60% आपका लार्ज कैप में होना चाहिए, 20-30% आप मिड कैप में कर सकते हैं और बाकी मल्टी कैप में करें। सो इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। आज की तारीख में इनकी 2 स्कीम्स मिड कैप है, 1 लार्ज कैप है, तो अगर इन्हें अभी निवेश करना है नया अमाउंट, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि वो लार्ज कैप में इंक्रीज कर दें, क्योंकि अमाउंट 1,000 रुपया ही है। ये मिराई की ब्लू चिप फंड जो इनके पास ऑलरेडी है उसी में 2,000 कर लें, ना कि कोई और स्कीम ऐड करने की इन्हें जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सजेशन आता हो आपके लिए, आपके पास जो मिराई ऐसे ब्लू चिप का फंड है उसी में आप 1,000 और निवेश कर सकते हैं, बाकी फंड्स आप कंटिन्यू रखिए। अगले दर्शक राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ, भगवान जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ, और मेरे को पता नहीं है कैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे निवेश करते हैं इसमें। ओके, और आप निवेश करना चाह रहे हैं। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि आप म्यूचुअल फंड मार्केट में घुसना चाह रहे हैं और निवेश करना चाह रहे हैं, और अच्छी एज में आप निवेश करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो आप कितना निवेश कर सकते हैं सर? मेरी मासिक पर मंथ इनकम है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपकी पर मंथ इनकम है। हाँ। ओके, हर्ष क्या सजेस्ट करेंगे इनको? इनका जो पर मंथ इनकम है ये 15,000 है, और ये म्यूचुअल फंड मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और काफी अर्ली एज से इन्होंने शुरुआत भी कर ली है। आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से इन्हें शुरू करना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि इन्हें म्यूचुअल फंड्स होते क्या है वो कहीं से अच्छी तरह समझें, मतलब ये हमें मुश्किल होगा कि हम इन्हें uh,
चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। भगवान जी, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपने निवेश करने का। म्यूचुअल फंड मार्केट में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप कितना निवेश करना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, कितना निवेश करना चाह रहे हैं पहले आप वो डिसाइड करिए, और अकॉर्डिंगली आप कितना रिस्क ले सकते हैं आप वो भी डिसाइड करिए। कितना अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हैं आपको ये भी डिसाइड करना होगा, और कितने समय के लिए आप कर सकते हैं पहले तो। लेकिन सबसे पहले आप अपना गोल सेट करिए कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट से जुड़ा हुआ है और बाजार में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो आपके फंड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और गोल जरूर आप डिसाइड करिए कि क्या किस गोल के लिए और किस लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं। हर्ष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, हम बात कर रहे थे भगवान जी के, भगवान हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? वेल, पूजा आपने सही कहा कि इन्हें, क्योंकि ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं इनमें, इक्विटी है, इसमें डेट है, हाइब्रिड फंड्स हैं जो बैलेंस डेट इक्विटी का मिक्स होता है। डेट की कैटेगरी में भी देखें तो बहुत तरीके के फंड्स होते हैं। सो इसमें जरूरी है कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में इतना सुन के, क्योंकि आज की तारीख में बहुत बातें हो रही है, इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को एज ए टॉपिक समझ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हम आसपास में सुन के हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इन्हें जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या वो ढंग से समझ लें, और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि अपने गोल्स सेट करें, उन्हें कितना रिस्क ले सकते हैं उस पैसों का, वो सब डिसाइड करते हुए कोई स्कीम सिलेक्ट करें। तो और अगर शुरू भी करें तो धीरे शुरू करें, 1,000 रुपए से शुरू करें और एक या 6 महीना निकल जाए वो समझ जी, हर्षवर्धन जी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें तो इनके लिए ज्यादा। हर्षवर्धन जी बहुत सटीक सलाह दी आपने, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है और उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर निवेश करें। हर्षवर्धन फिर जुड़ेंगे हमारे साथ और कुछ और मंत्र भी के लिए कुछ और मंत्र भी हमारे साथ कल चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मनी गुरु में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।